बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तन्नीस किचन। तो आज चीज़ें देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज बेकिंग होने लगी है। तो आज हम बनाएंगे जर्मन मार्बल केक। तो जैसे मैं आपको प्लेन केक भी बनाना सिखा चुकी हूँ, मार्बल केक भी, लेकिन ये जर्मन मार्बल केक है और ये बहुत ही टेस्टी होता है और गुड लुकिंग भी होता है, मतलब ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए इंग्रीडियंट की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा, ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब है 1 कप और 1/4 कप, यानी 1/4 कप मैदा। उसके बाद 250 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है। 250 ग्राम मैंने चीनी ली है, ये भी उतनी ही बनेगी, 1 कप और 1/4 कप। उसके बाद 5 अंडे हैं, वेनिला एसेंस है, कोको पाउडर है 2 टेबल स्पून और पानी है गर्म 4 टेबल स्पून। और ये चीज़ें हमें चाहिए हैं अपने केक के लिए। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवन को ऑन करेंगे, उसके बाद अपना पैन जो है वो रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ओवन मैंने ऑन कर लिया है, 150 डिग्री पे उसको रखा है मैंने। पैन मैंने अपना रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर और उसके ऊपर मैंने बटर भी लगा दिया है। ये पैन हमारा रेडी हो गया, ओवन हमारा ऑन हो गया। तो चलिए अब हम अपनी जो है वो केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। मक्खन जो है ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, लेकिन आप इसको उसमें मेल्ट नहीं करेंगे माइक्रोवेव में। इसको बस आपने जिस दिन केक बनाना है उस दिन आप इसको बाहर निकाल के रख दें थोड़ी देर पहले, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हमने इस मक्खन को जो है बटर को हमने अच्छे से बीट करना है। तो चलिए पहले हम अपने बटर को बीट कर लेते हैं जी। थोड़ा सा बस मैंने इसको बीट किया है, इसके बाद हम इसमें अपनी शुगर ऐड कर देंगे और फिर से इसको हम बीट करेंगे। पहले अच्छे से ज़रा इस तरह कर लेते हैं ताकि शुगर जो है वो उड़ने ना लगे। बस इसी तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर मिक्स करते हुए हमने 1 टीस्पून वेनिला एसेंस जो है वो भी इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा से बीट करना है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये बड़े आराम से बीट हो जाएगा। तो ये शुगर जो है मिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने 1 बाय 1 अंडे डाल के ऐसे थोड़ा सा एक योग डाल ली, थोड़ी सी वाइट डाल ली, और उसके बाद हमने इसको वन थोड़ा सा बीट करना है। पिठे नहीं डालने आपने, ये अब एक पोर्शन और डालेंगे हम और फिर बीट करेंगे। फिर डालेंगे और इसको बीट कर लेंगे। लास्ट आ गया, इसको हमने रख दिया, फुल डाल दिया, और अब हम इसको अच्छी तरह से सारे बैटर को बीट कर लेंगे। अब आ गई ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो मैदा हमने निकाला हुआ था इसको हमने डाल लेना है। मैदा वैसे मैंने पहले भी छाना था, लेकिन मैं दोबारा डायरेक्ट भी छान के ही डालना पसंद करती हूँ। ये मैदा जो है वो 1/4 कप है, और इसमें वैसे तो अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लोर है तो उसमें तो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपने फिर 1 कप मैदे में आपने समझे 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाल लेना है। तो मैंने चूंकि 1 1/4 कप जो है वो लिया है, तो मैंने टीस्पून भी उसी हिसाब से बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। अब हमने इसको फिर से अच्छे तरीके से बीट करना है। फिर से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है हाफ्स में। हाफ हम इसी बोल में रहने देंगे और हाफ जो है वो हम एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमने उसमें कोको पाउडर जो है वो ऐड करना है। ये हो गया, इसको भी अच्छे से साइड से साफ कर लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कोको पाउडर जो है वो हमने किस तरह से इसमें ऐड कर। ये मैंने 4 टेबलस्पून गर्म पानी लिया है और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ली है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर ली है। अब हम ये सारी चीज़ें गर्म पानी में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। व्यूअर्स, तो ये मिक्स हो चुके हैं हमारी कोको पाउडर और कॉफ़ी पानी में। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, और स्पैचुला की मदद से हमने इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेना, बिल्कुल अच्छे से आराम से, ताकि ये सारा मिक्सचर जो है वो
एक जैसा हो जाए। व्यूअर्स, कोको पाउडर वाला हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपने इस वेनीला बैटर की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी थिक है। कोको वाला जो है वो तो जब हमने पानी में ऐड किया तो थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हुई, तो हम इसमें भी 4 टेबलस्पून मिल्क जो है वो ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी भी कंसिस्टेंसी जो है वो उसकी इसी के इक्वल हो जाए। जी, हमारे दोनों बैटर्स रेडी हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा सही हो गया है, और ये जो हमारा कोको वाला था वो भी हमारा, ये देखिए, बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो अब इसकी ऑप्शंस दो हैं, या तो आप ये एक जैसे 2 स्पून्स ले लें और एक इसमें रख लें, एक उसमें रख लें, और 1 स्पून हमने इस वेनीला केक का डालना है और 1 स्पून हमने चॉकलेट बैटर का डालना है। और या आप ये कर सकते हैं कि आप अपने वो ले लें, आइसिंग बैग्स ले लें, उसमें इनको ऐड कर लें और भर लें उनको, और उसमें फिर आप उसके साथ आप इसको केक मोल्ड में डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो प्लास्टिक के जग्स हैं, ये वाले। तो मैं एक बैटर इसमें वेनीला डालूंगी और एक इसमें चॉकलेट वाला डालूंगी। तो चलिए फिर हम अपने बैटर्स जो हैं वो अपने मोल्ड में डालते हैं। व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डालेंगे वेनीला, बस तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट। बस फिर से हम डालेंगे वेनीला, मेरे ख्याल में इस तरह से ज़्यादा इजी हमें रहेगा, और फिर से चॉकलेट। इसी तरह से हमने सारे बैटर जो हैं वो डालते रहने हैं। फिर ये दोनों लेयर्स हम लगा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, टूथपिक से ऐसे, और बार बार टूथपिक को जो है वो आपने साफ़ कर लेना, ताकि दूसरी तरफ जब हम जाएं तो वो डिज़ाइन जो है वो हमारा ख़राब ना हो जाए। ऐसे, उसके बाद ऐसे, और डिज़ाइन तो आप ज़ाहिर है कोई भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बस, और अगर आप और ज़्यादा इसको थिक करना चाहते हैं तो फिर आप और इसमें ये लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, देखने में भी प्यारा लगेगा, और जब आप इसको अंदर से काटेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ऊपर से भी कितना प्यारा ये फ्लावर जो है वो बन रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अब हम ओवन में इसको रखते हैं 160 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स। और वही जो मैं कहती हूँ कि आपके अपने अपने ओवन और फ्लेम का हिसाब होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको टूथपिक से चेक कर सकते हैं 35 मिनट्स के बाद। तो चलिए फिर अब हम इसको 35 मिनट्स के लिए ओवन में रखते हैं। व्यूअर्स, तो केक जो है हमारा बन के आ चुका है। इसको तकरीबन 40 मिनट लगे हैं 160 डिग्री पे। तो अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पैन में रहने देंगे। उसके बाद हम इसको पैन से निकालेंगे और फिर आपको मैं कट करके दिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसको अनमोल्ड करते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा केक हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम काट के भी जो है वो देखते हैं। डीजे व्यूअर्स, तो ये मैं एक पीस काट के आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, ये कितना ही ज़बरदस्त जो है वो व्यूअर्स। तो ये देखिए, मैंने इसके पीसेस काटे हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा जो है ये मार्बल का डिज़ाइन बना है, और ये कितना स्पॉन्जी है। तो इस केक को, रेसिपी देखें आप कितनी ईजी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़।